तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। आज का जो टॉपिक है भाई, मुद्दे की बात मैं करूं तो आप सब लोग जितने भी शेयर चैट चलाने वाले हो, मैं ये बात दिल ठोक के कह सकता हूं और लिख कर दे सकता हूं कि एक ना एक बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप वीडियोज अपलोड कर देते हो शेयर चैट पर और जब आप खुद ही उसको सुनने पहुंचते हो, तो कई बार ऐसा केस में होता है कि वीडियो के अंदर वॉइस नहीं होती है, बैकग्राउंड में जो वॉइस होती है वो नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है, आज के टॉपिक पर हम यही बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज चाहूंगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि शेयर चैट पर जितने भी वीडियोस बनती हैं आप मेरी ही देखते होंगे, ये भी मुझे पता है। तो दोस्तों आज ही शेयर चैट करो, यहां पे अभी पहले शेयर चैट पर यहां पे क्लिक करो, यही समझ लो सब्सक्राइब का बटन है, इसे सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई यहां देखो, सबसे पहले तो आज का अगर ये जो डाउट है आपका, वो जितने भी लोगों का डाउट है आज क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को पहले तो ध्यान से समझिएगा, मैं 2 से 3 मिनट का टाइम यहां पे लेने वाला हूं आपका, लेकिन उस 2 से 3 मिनट के अंदर आज आपकी जो ये पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो सबसे पहले क्या है, जितने भी शेयर चैट यूज़र हैं वो क्या करते हैं। जैसे मान लो आपने टिकटॉक की वीडियोस डालते हैं, तो अगर आप भी टिकटॉक की वीडियोस डालते हैं तो आपके साथ ऐसा 100% हुआ होगा, जब आप टिकटॉक की वीडियोस को टिकटॉक से सेव करते हो गैलरी में, तो वो गैलरी में सेव हो जाती है और उसके बाद आप आते हो शेयर चैट पर। तो जब शेयर चैट पर आप आते हो तो गैलरी में से उठा के टिकटॉक वाली वीडियो को डाल देते हो शेयर चैट से, तो वो वीडियो आ जाती है आपके शेयर चैट पर। अब शेयर चैट पर आने के बाद जब आप अपनी प्रोफाइल में देखते हो उसी वीडियो को प्ले करके, तो जब प्ले करते हो तो शेयर चैट पर अपनी वीडियो को टिकटॉक वाली को, जैसे ही आप प्ले करते हो तो आप देखते होंगे जो आइकन बना हुआ आता है टिकटॉक का, वो आपकी वीडियोस पर ब्लर हो जाता है ऑटोमेटिकली शेयर चैट वालों की तरफ से, अगर आपने देखा होगा तो। ये ध्यान से समझा भी होगा, तो अभी आपको ये भी नहीं पता कि वो क्यों होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो ऑटोमेटिकली जो ब्लर होता है वो इसलिए होता है कि उसको शेयर चैट ब्लर कर देता है, बिकॉज ऑफ शेयर चैट का कहना है कि आप जो भी करो वो क्लियरिफिकेशन के साथ करो तो ज़्यादा अच्छा है, इसी वजह से वो उसको ब्लर कर देता है। तो जब वो ब्लर हो जाता है, तो ब्लर होने के बाद क्या होता है, आपका जो वॉइस है उसमें साउंड है वो रहेगा। कई केसेस में क्या होता है कि आप जब कोई वीडियोज़ बनाते हो, जब वीडियोस बनाते हो जो टिकटॉक की आपने वॉइस उठा ली, लाइक की आपने वीडियोस उठा ली, या फिर हेलो की आपने कोई वीडियोस उठा ली, ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं माना कि ट्रेंडिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पर से वीडियोस आप बना रहे हो, आप उस पर वीडियो बना रहे हो उसकी उठा के आप डाल दोगे तो 100% ये क्लेम शेयर चैट की तरफ से आएगा, क्योंकि शेयर चैट ने कहा है कि आप आज वीडियोस बनाते हो तो आप मेरे कैमरे से बनाओ, मैं उस पर ज़्यादा अच्छे स्कोर्स आपको दूंगा, उससे अच्छी अर्निंग आपको दूंगा, उससे अच्छा फेम आपको मैं अपने शेयर चैट पर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरे कैमरे से बनाओ। तो शेयर चैट ये कहता है, लेकिन आप लोग नहीं समझते हो, आप फिर भी उठा के टिकटॉक की वीडियो डाल देते हो। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, ख़त्म हो जाती है। अब बात है कि आप अगर वीडियोस बनाते हो, उस वीडियोस के अंदर आपका जो साउंड है वो ख़त्म क्यों हो जाता है जब आप सुनते हो, तो उसके एक ही कारण है, और एक कारण नहीं बल्कि 2-3 हो सकते हैं, लेकिन मैं एक कारण ऐसा बताने वाला हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप जो वीडियो बनाते हो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कर लिया करो कि वो शेयर चैट के टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं हर वीडियो में इस बात को बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कि आप किसी सामाजिक बात को या सामाजिक मुद्दे को अपने वीडियोस पर नहीं बता सकते हो, समझ में आ रही है, या फिर आप किसी अब्यूज वर्ड को शेयर चैट की वीडियो में नहीं डाल सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो लैंग्वेज को यूज कर रहे हो उसमें थोड़ी बहुत भी अगर गाली गलौज या थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच है जिससे मिसबिहेविंग लग सकती है, तो भी वीडियो आपकी नहीं चलेगी। ये 4-5 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से अगर आपने वीडियो के अंदर इनसे कुछ भी ऐसा मतलब करा है इनमें से, तो आपकी वीडियोस तो वहाँ पे ले रहेगी, लेकिन उसमें से साउंड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जाता है। अब उसमें से साउंड क्यों कर लिया जाता है, इसकी एक बड़ी रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जो पब्लिक तक पहुँचाई जाती है आपकी वीडियोज़, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेन पर्पज़ के लिए पहुँचाई जाती है। आज शेयर चैट आपको पेमेंट तो कर रहा है, पैसे दे रहा है, अर्निंग आपको करवा रहा है, लेकिन उसके बदले आप शेयर चैट को वही चीज़ दोगे ना जो शेयर चैट चाहता है, तो आप उसमें कभी कभार अपने हिसाब से भी काम कर लेते हो, इसी वजह से शेयर चैट जो है आपको उस चीज़ों से अलग हटाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो भाई देखो, अब तक समझ में आया होगा आपको कि शेयर चैट पर आपने गाली वाली कोई ऐसी वीडियो नहीं बनानी, कोई ऐसा मिसबिहेविंग या फिर बदतमीजी वाली डायलॉग जिसके अंदर है आपकी, वैसी वीडियो नहीं बनानी, इवन कोई पॉलिटिक है, कोई राजनीतिक मुद्दे से जुड़ा हुआ है तो आपने ऐसी वीडियो नहीं बनानी।
अब आज बात आती है कि जब ये सब बनाना नहीं है तो बनाना क्या है? तो बनाना आपको ये है कि खुल मिलकर जी भर के जो हो सके आप वो एंटरटेन पे उतार डालो। जी हाँ दोस्तों, जो मिलता है वो एंटरटेन पे उतार डालो। स्लो मोशन करो, ये करो, अगड़म झगड़म, जैसे उसमें टैग चलते हैं टिकटॉक पे, वैसे ही टैग इसमें भी चलते हैं। तो आप पर्टिकुलर टैग पे ना जाके अपने अपने अंदर का टैलेंट भी इसमें दिखा सकते हैं। तो यहाँ तक आप ये चीज़ों को समझ लेना दोस्तों। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई हो कि टिकटॉक पर आपकी जो वॉइस है वो बैकग्राउंड में ख़त्म क्यों हो जाती है अपलोड करने के बाद। तो दोस्तों, अगर आपने समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर दें। और अगर आपसे शेयर चैट से रिलेटेड कोई कमेंट होने वाला है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरे चैनल में जाके एक बार पहले विजिट कर लिया करो, क्या मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाई है या नहीं, उसके बाद कमेंट कर लिया करो। क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा कमेंट में तो यही आंसर कॉपी करके रखता हूँ जो मुझे पेस्ट करना होता है कि भाई मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल में आके देखिए बस। तो भाई ऐसा कर लेना, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं यही चाहूँगा शेयर चैट पर आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, क्योंकि जब तक आप शेयर चैट पर मेहनत करना शुरू नहीं करोगे तब तक शेयर चैट कुछ भी नहीं देने वाला आपको। मेहनत तो ज़रूरी है, चाहे वो शेयर चैट पर हो या फिर लाइक पर हो या टिकटॉक पर हो या किसी भी चीज़ पर हो, मेहनत आपको करनी है और मेहनत का ही फल मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।